हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को देसी आटा कंपनी का क्लासिकल डोसा मिक्स का रिव्यू देने वाली हूँ, फुल ऑनेस्ट रिव्यू। इसकी क्या क्वांटिटी है, किस तरह से इसे बनाते हैं, ये क्या बिल्कुल मार्केट जैसा क्रिस्पी डोसा इससे बनता भी है या नहीं, वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर, और मेरे चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और इस बेल के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। थैंक यू। इसका वेट है 500 ग्राम और इसे आप 15 मिनट में रेडी कर सकते हो, और इसमें 35 क्रिस्पी डोसा बनेंगे ये इसमें लिखा हुआ है, और इसकी MRP है 85 और इसकी एक्सपायरी डेट 12 मंथ की होती है। चलो इसे बना लेते हैं। इसे बनाने के लिए आपको एक बर्तन चाहिए, इसमें पूरा पाउडर मैं डाल लेती हूँ, और आपको धीरे धीरे पानी इसमें मिक्स करनी है। आप इस तरह से भी बना सकते हो, और नहीं तो आप एक कप इस पाउडर को ले रहे हो तो उसी कप से आप आधा कप पानी मिक्स करो। लेकिन मैं बोलूँगी सबसे ईजी तरीका है कि आपने डोसा का बैटर तो देखा ही होगा कि वो कितना पतला होता है, ठीक है, और बस उस हिसाब से ही धीरे धीरे पानी आपको डालनी है, एक बार में नहीं डालनी है, और डालते डालते आपको दिखेगा कि कितना आपको पतला और कितना मोटा रखना है। ये जितना बैटर पतला होता है ना, उतना ही क्रिस्पी डोसा बनता है और बिल्कुल अच्छे से ये फैलता है। मोटा जो एकदम थिक वाले में नहीं रखना है, इसे एकदम पतला बैटर बनाना है बिल्कुल इस तरह से। अब मैं आपको डोसा बना के दिखाती हूँ। आपको मीडियम फ्लेम में डोसा तवा को चढ़ाना है, और वो बिल्कुल मीडियम गर्म होना चाहिए। उसके ऊपर आप पानी छिड़क दीजिए, और उसके बाद आप डोसा के बैटर को बिल्कुल अच्छे से फैला लीजिए। आपका तवा बहुत ज़्यादा गर्म है तो बैटर बिल्कुल अच्छे से नहीं फैलेगा, बिल्कुल मीडियम गर्म होना चाहिए। और उसके बाद फैलाने के बाद उसमें थोड़ा सा तेल छिड़क दीजिए, उसके बाद इसे मीडियम फ्लेम में बिल्कुल पकने दीजिए। नीचे से बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएगा, आपको दिखेगा। उसके बाद इसमें मसाला आपको रख देना है और इस तरह से पलट देना है। रेडी है आपका मसाला डोसा। अब बात करते हैं क्या ये क्रिस्पी है। तो हाँ, ये बिल्कुल मार्केट जैसा क्रिस्पी है, लेकिन दो तीन टिप्स देना चाहूँगी। बिल्कुल इसे पतला आपको बनाना है, एकदम पतला, जैसे मार्केट में एकदम पतला सा पापड़ की तरह रहता है, तो उसी तरह बिल्कुल इसको आपको फैलाना है। बैटर को बिल्कुल पतला रखना है, और आप इसे नॉनस्टिक डोसा तवा में ही बनाइएगा तो ही ये बैटर बनता है। ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डे टू डे लाइफ में जो भी मेरे पास कुछ भी इन्फॉर्मेशन होती है जो आपके लिए ज़रूरी होती है, वो वीडियो मैं ज़रूर लाती हूँ। तो बाय, टेक केयर।